जॉइनिंग क्या नाम, सियासत में ये रहता ही है। और जावेद बेग साहब एक बड़े काबिल सियासतदान और एक बड़े माने हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। मैंने अपनी तकरीर में भी आज कहा कि इस बात के बावजूद कि जब कभी हमने असेंबली में उनकी तकरीरें सुनी तो निशाना उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रहता था, लेकिन उनके बोलने का अंदाज़ ऐसा होता था कि बाहर निकल के, हालांकि हमारी मुखालफत ही होती थी वहाँ पे, हम तब भी उनकी तकरीरों की तारीफ़ करते थे। आज अच्छी बात है, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का फ़ैसला लिया है अपने साथियों के साथ, और अब हम उम्मीद करते हैं कि जिस अंदाज़ में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बोला करते थे उसी अंदाज में वो बाकियों के बारे में बोलेंगे। आप बताइए, यहाँ से थोड़ा बताइए किस तरह की किस हवाले से पीएम की विजिट के बारे में क्या कुछ उसमें से निकल के आया है, जो एक्सपेक्टेशंस आप बताइए ना, कुछ निकल के आया की वगैरह? मुझे तो कुछ नया नज़र नहीं आया, वही बातें और जो वहाँ लोग सुनना चाहते थे, खासकर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी को लेके। मैं जानता हूँ कि वज़ीर आज़म खुद इलेक्शन का अनाउंस कर नहीं सकते, इलेक्शन का अनाउंसमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन को करना होता है, लेकिन कम से कम वज़ीर आज़म से इतना ही कि जो 31 सितंबर का डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट के तरफ से लगा हुआ है उसको देखते हुए उससे पहले इलेक्शन होंगे, ये हम सुनना चाहते थे। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड, नॉट हाफ या कोई और मॉडल, फुल स्टेटहुड, जितना हमसे लिया गया उतना हमें वापस चाहिए, उसके बारे में हम सुनना चाहते थे। बेरोज़गारों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम, एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज, उसके बारे में सुनना चाहते थे। डेली वेजरों के रेगुलराइजेशन के बारे में हम सुनना चाहते थे। जो यहाँ पे बिजली की हालत जो दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, हम उस पर सुनना चाहते थे, उस पर भी वज़ीर आज़म साहब खामोश रहे। तो जो हम उम्मीद कर रहे थे, उम्मीद तो हमारी रह गई, और जो हमने सुना वही सुना जो इससे पहले सुनते आए हैं। जब अब वोटिंग की तारीख भी नज़दीक आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कब कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आएगी? जब हम पसंद करेंगे अनाउंस करना, हम ना आपके प्रोग्राम के मुताबिक ना किसी और के प्रोग्राम के मुताबिक अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करेंगे। हालांकि अपनी जगह मैं आज मुतमइन हूँ कि मुझे पता है कि किसने कहाँ से लड़ना है, लेकिन ऐलान हम तब करेंगे जब हमें सूट करेगा। जहाँ तक रही बात, आपने कह ही दिया जो आप कहना चाहते थे कि पीडीपी आउट, ना पीडीपी को हमने आउट नहीं किया, हालात ने पीडीपी को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। अब आप मुझे बताइए ना, आप साउथ कश्मीर की सीट, आप बार बार पूछते हो कि साउथ कश्मीर की सीट पीडीपी को क्यों नहीं, मुझे बताइए ना, अब ये कहाँ की सियासत है कि जो पार्टी तीसरे नंबर पे आई इससे पहले वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में, नंबर वन पार्टी और नंबर टू पार्टी दोनों अपना क्लेम छोड़ के तीसरे नंबर की पार्टी को वो सीट दे दें, और जिस सीट पे फिलहाल तो बीजेपी का कोई असर रसूख नज़र नहीं आता। बाकी जहाँ तक कोलिशन की बात है, कोलिशन को चलाना या कोलिशन के मतलब माहौल को सही रखना, ये हर तंजीम की जिम्मेदारी बनती है। मुझे ये बताइए ना, उनकी सीटों पे आपको बड़ी परेशानी होती है, लेकिन जब वो अपनी तकरीरों में या अपने ट्वीट्स पे या सोशल मीडिया पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बार बार निशाना बनाते हैं, उस वक्त आप लोग उनसे नहीं पूछते हो कि ये कहाँ की कोलिशन धर्मा है। अब मिसाल देते देते मैं थक जाऊंगा, लेकिन मिसालों की कमी नहीं है। पिछले लगातार दो साल से जब भी उनके रेजिंग डे के फंक्शन हुए तो तकरीरों में बीजेपी से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया गया, रिकॉर्ड्स आप सबके सामने हैं। वहाँ पे जो गाने गाए गए, जुल्म का अलबर्न हटाओ, फिर कलम दवात को वोट डालो, वो क्या हम भूल जाएंगे?
क्या मेरे वर्कर ये भूल जाएंगे? अब पाकिस्तान का इलेक्शन है, पाकिस्तान के इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लताड़ा जाता है ट्विटर के जरिए कि पाकिस्तान में जो हुआ उससे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो 87 को याद करते हैं। अब ये कहाँ की कोलिशन धर्मा, अब पता नहीं किस वो नशे में आके गुलाम नबी आज़ाद साहब ने फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया, उसमें भी पीडीपी वाले घुस जाते हैं। जुमा जुमा उनको हफ्ता नहीं हुआ है सियासत में आए हुए, वो भी गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ मिलके फिर फारूक अब्दुल्ला साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्विटर के जरिए निशाना बनाते हैं पीडीपी के प्लेटफॉर्म से। और फिर आप कहते हो कि कोलिशन कहाँ है, यानी अब कोलिशन को मेंटेन रखना ये अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी नहीं है, ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने एक आदत बनाई हुई है, जो आदत से मजबूर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते बनाते। जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते वो हमसे कोई ज़्यादा उम्मीद रख नहीं सकते। लेकिन इस बात के बावजूद भी कि हम लगातार उनसे ये उनके हमले के शिकार होते हैं, मैंने तब भी कांग्रेस को इस बातचीत के दौरान उनसे कहा है कि देखिए ना, 6 सीटों में ज़्यादा गुंजाइश है नहीं, लेकिन हम असेंबली में एक साथ काम करने के लिए दरवाज़ा खुला रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्त ये कि हम देखें कि इस आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में उनका रवैया कैसा रहेगा, इतना ही। हाँ, यूज पीपल आर्टिकल 370, यहाँ के लोगों की एक इमोशनल अटैचमेंट थी उसके साथ, यहाँ तक के जिन लोगों ने 5 अगस्त 2019 को 370 के हटने पर जश्न मनाया, आज वो लोग भी मातम मना रहे हैं। आप, मैं तो नहीं भूला किस तरह लेह से खबरें आईं, क्या मिठाइयाँ बांटी गईं, किस तरह पटाखे वहाँ पे फोड़े गए। आज वही लोग कहते हैं ना कि हमें एक स्पेशल स्टेटस वापस दे दीजिए। आज जम्मू के लोग जो हैं वो परेशान हैं कि उनकी ज़मीनें खतरे पे हैं, उनके ठेके खतरे में हैं, उनकी नौकरियां खतरे में हैं। तो 370 को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, 370 यहाँ लोगों के एक इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ, और वो इमोशनल अटैचमेंट हटेगा नहीं। अगर 370 को किसी ने इस्तेमाल किया है वो बीजेपी ने किया है, बीजेपी के लिए ये एक पॉलिटिकल फुटबॉल रहा है, इस फुटबॉल को वो बार बार जो है इस्तेमाल करते रहे। अगर ये एक पॉलिटिकल फुटबॉल नहीं होता तो मुझे बताइए ना, वज़ीर आज़म साहब का क्या काम है फिल्मों की टिकटें बेचना? वज़ीर आज़म खास साहब खुद आते हैं जम्मू में, बॉलीवुड की फिल्मों को जो है वो तारीफ करते हैं, और कौन सा फिल्म जो 370 पे बना? अब मुझे बताइए ना, अगर ये 370 को सियासी तौर इस्तेमाल करना नहीं है तो क्या है? हम लोग नहीं करते ना, बार बार पूछते, मैंने आपसे कितनी बार कहा ना, मुझे इन हालात में असेंबली इलेक्शन लड़ने का कोई शौक नहीं है। कांग्रेस के साथ बातचीत हमने की हुई है, हमने लद्दाख मतलब उधमपुर और जम्मू की सीट पे उनसे कहा है कि वो अपना उम्मीदवार जो है वहाँ पे खड़ा करें। हमने लद्दाख जो लेह करगिल वाली सीट है उस पर भी उनसे कहा हुआ है कि हम वो सीट जो है उस पर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जो है खड़ा नहीं करेंगे, और हमारी कोशिश सबकी यही रहनी चाहिए कि कोई ऐसा कंसेंसस कैंडिडेट वहाँ पे हम सब मिल के निकालें जो कि बीजेपी से वो सीट जो है वापस लेने में कामयाब हो सके। यहाँ तक कि मैं आपसे शेयर करूँ कि अनंतनाग की सीट पे भी हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे थे। मैंने यहाँ तक कि जब कांग्रेस से हमारी बातचीत हुई, मैंने ये भी कहा उनसे कि क्योंकि वो दूसरे नंबर पे आए थे, सीट हमारी थी, लेकिन अगर कांग्रेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी अनंतनाग की सीट के लिए, अगर उस पर मिसेस सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उस सीट पर लड़ने के लिए तैयार होते, हम वो सीट उनके लिए छोड़ देते, हमें कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमारी जीती हुई सीट है, हम और किसी के लिए वो जीती हुई सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जो कि मुझे लगता है हमारा हक है। तो मैंने पहले ही आपसे कहा ना, आप जो तीसरे नंबर पर आए उनको सीट मांगने का कहाँ से हक बनता है, और वो तीसरे नंबर पर तब आए जबकि पूरी जमात उनके साथ थी। आज जिन्होंने उनको तीसरे नंबर पर लाया उनमें से कितने लोग आज पीडीपी में हैं? तो अब ये कहाँ का इंसाफ। और वैसे भी मुझे ये, अब मैं आपसे ये क्लियर करूँ ना, अगर मुझे
इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमज़ोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। इंडिया अलायंस में जाने का हमारा एक ही मकसद था जो उसमें गए, कि हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है। अगर हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है तो फिर ये अंदरूनी तौर ये टेंशन या ये बातचीत का इसका कोई वजूद ही नहीं। ये जो नारे आपने अभी यहाँ हमें उनके बारे में याद दिलाया, मैं कभी उनके हक में था नहीं और ना उनका हमें कोई फ़ायदा हुआ है। उल्टा जब कभी हम इस तरह के नारे जो हैं इस्तेमाल करते हैं तोड़ मरोड़ के नुकसान इस्तेमाल करने वाले का ही होता है। वोटर इन चीज़ों से मुतमईन नहीं होता। वोटर ये जानना चाहता है कि आज के जो हमारे मुश्किलात हैं उनका हल कैसे होगा, हमारी नौकरी कहाँ से आएगी, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में आज डिस्ट्रेस है उसको किस तरह दूर किया जाएगा, जो रूरल इकॉनमी जो है हमारी लगभग पूरी स्टैग्नेंट हो चुकी है, रूरल इकॉनमी को किस तरह दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, इन चीज़ों पे जो है वोटर सुनना चाहता है, बजाय ये कि किसका परिवार है या नहीं है। और ऐसे जो हैं जो हम मतलब या तो हम सेल्फ गोल करते हैं या गोल के आगे से हम गोलकीपर को हटा के मोदी साहब से कहते हैं ना लाओ कर लो स्कोर। अब परिवार पे हमने खुल्लम खुल्ला उनको गोल दे दिया और उन्होंने मौके का इस्तेमाल किया और बड़े तरीके से किया, कहा कि मोदी उनका है जिनका कोई नहीं और हमारे पास इसका जवाब ही नहीं है। तो मैं तो अपने वो मुझसे हालांकि सियासी तौर और उम्र के लिहाज से बहुत सीनियर हैं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जो तजुर्बा है वो यही है कि हमें इस तरह की सियासत जो है वो छोड़ के हमें लोगों के मुद्दों की सियासत करनी चाहिए। ये चौकीदार ये अदानी अंबानी ये राफेल ये परिवार ये चलता नहीं है। वोट आने दीजिए, मैं अभी कैसे कह सकता हूँ। हाउ कैन आई टेल यू वेदर वी विल लूज वन सीट और थ्री सीट्स और विल गेन वन और थ्री। यू विल ओनली नो वेयर वी स्टैंड ऑन द डे द वोट्स आर काउंटेड एंड द सीट्स आर टैलीड। सो लेट्स सी, अगर कल मैंने उधमपुर से कागज़ भरे फिर क्या करोगे? लेकिन आप आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, आई डोंट इवन नो इफ द पार्टी विल फील्ड मी इन दिस इलेक्शन। द पार्टी इज एट दिस पॉइंट इन टाइम एंगेज्ड इन डिस्कशन विद आर ओन कोलीग्स टू सी द मोस्ट सूटेबल एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स फॉर ईच सीट।